तो फेसबुक पे साउंड कंफर्म हो गया। अब यूट्यूब पे साउंड का कंफर्म ले लो। एक बार YouTube पे साउंड का कंफर्मेशन प्लीज कर दें। हमारी साउंड का इशू आई थिंक यूट्यूब पे आ रहा था। प्लीज़ कंफर्म कि साउंड का इशू सॉल्व हुआ। चलिए ठीक है, काम चला लेते हैं क्योंकि शायद साउंड का। गुड इवनिंग रोहन भाई, जिनका एग्ज़ाम हुआ है देखते हैं क्या उनका। और लास्ट में मैं इसकी लास्ट का स्टार्टिंग से बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ क्या जाएगी जो मेरा अनुमान है पिछले कुछ पेपर को डिस्कस करके। तो टेस्ट ये जो आंसर की है उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी टिप्पणी कि जो यह हमारा हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर है जो आज हुआ, माफ़ कीजिए थोड़ी देरी से हुआ क्योंकि मैंने लाइव ऐसे 3 PM पे कर दिया था, पर यही इशू था, कभी साउंड का इशू था तो कभी नेट का इशू था जिस कारण से हम थोड़ा लेट हो गए। वंश गुड इवनिंग। तो जनरल कैटेगरी वाले जान जाइए कि उनको अगर सीट लेनी है तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ इस एग्ज़ाम में 87, 100 मार्क्स का पेपर था 87। एससी के लिए कट ऑफ मैं मार्क करता हूँ 83। एंड ओबीसी के लिए विषम से 81 से लेकर 87 तक होगा अप्रोक्सीमेटली। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। तो हमारे हाई कोर्ट का पेपर था ये, इसका फ्रंट पेज था। हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में सब कुछ आता है। और देखिए ये तो सवाल ऐसा है कि कल मैंने 35 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज़ करवाई थी आप लोगों के लिए। स्पेशली मैंने कहा था भाई ये जो 30-35 क्वेश्चन है करंट अफेयर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं हाई कोर्ट क्लर्क के। और विश्वास करिए दो क्वेश्चन वो 30 क्वेश्चन में से थे। मेरे कल के लाइव में चेक करिए, मैंने कल बार बार कहा था कि ये मैंने पिछले 3 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 चुने हैं तो ये करंट अफेयर में आ सकते हैं। तो पहले पेज के अंदर 2 क्वेश्चन वहाँ से आए हुए थे। तो जब आपके जो टीचर मेंटोर हैं जो आपको थोड़ा सा अगर रिक्वेस्ट करें कोई चीज़ के लिए तो प्लीज़ आप उसे सीरियसली लिया करें।
पहला सवाल था कि इन विच सिटी दी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फोर कमेंस इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव 19 कंट्रीज, तो इसका आंसर है काठमांडू। इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो मैंने ऐसे ऐसे टिक किए हैं इसके अंदर, तो पीडीएफ ग्रुप में डाल दिए गए हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो काठमांडू में हुई है, इसको यूनाइटेड नेशन ने किया था। कल मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेलिंग में डिस्कशन की थी, काफ़ी डिटेलिंग में। अगला है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसका फाउंडर इंडिया और फ्रांस है। इंडिया और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी। इंडिया इसका एक यूं कह लीजिए इंडिया में पहली इसकी मीटिंग हुई थी। तो 190th नेशन कौन बन गया इसका मेंबर के रूप में, तो माल्ता उसका नाम है। अगला प्रश्न, कल के उसमें एक मैंने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था और क्वेश्चन तीसरा, तो पहला और तीसरा वो कल के मेरी टेस्ट सीरीज से जो मैंने बनाई थी उससे आए हुए हैं। वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट साइंड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? इसका आंसर दुबई। विच कंट्री सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, तो इसका है सऊदी अरेबिया। हिमाचल प्रदेश में अगले 2-3 महीने में जो एग्जाम आने वाले हैं, तो याद रखिए कि ये जो ओल्ड पेपर होते हैं यहां से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? 31 नेशंस आर पार्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारा द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू नॉर्थ यॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट, इंसेक्ट का ह्यूमन बींग के साथ क्या बिहेवियर होता है ये उसको स्टडी करती है। ठीक है जी, इरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द UN इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है इरिट्रिया, तो इसका आंसर हुआ अफ्रीका। अगला प्रश्न, हिटलर की जो पार्टी थी जो पावर में आ गई थी जर्मनी में 1933 में, उसकी पार्टी का नाम क्या है? तो नाजी पार्टी, उसे नाजीज्म भी कहते हैं, नाजी पार्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जो गोल्फ प्लेयर विजय सिंह हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो फिजी को बिलोंग करते हैं। द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर, मैंने महाराज पोरस और अलेक्जेंडर सिकंदर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, तो महाराज पोरस का जो क्षेत्र है वो कौन सी दो नदियों के बीच में आता है? तो झेलम और चेनाब, तो झेलम और चेनाब के बीच में ये एरिया आता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी, अंग्रेजों ने भारत को लूटा और सारी संपत्ति यहां से वो ब्रिटेन ले गए थे, ये थ्योरी किसने दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सही है। The Treaty of Seringapatnam was signed between Tipu Sultan and Lord Cornwallis. इनके बीच में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। ठीक है जी, अगला प्रश्न, To which professions earlier leader who struggled for freedom of India mainly belonged? तो जिन्होंने इंडिया की आजादी के लिए लड़ाई की थी वो जो हमारे नेता लोग थे वो मुख्यतः कौन से प्रोफेशन से थे? ज्यादातर थे वकील, पर पत्रकार भी थे और शिक्षक भी थे, तो सारा इज ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेम दी नेम ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमनीद्वीप, ये जो आइलैंड हैं इनका जो नाम था वो लक्षद्वीप कर दिया गया था एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट से, तो कौन से वर्ष में? 1973 में नाम चेंज करिए इसका, लक्षद्वीप कर दिया गया था। लक्षद्वीप एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट यूनियन टेरिटरी है, या मेजॉरिटी मुस्लिम है,
और इसमें खास बात मैंने परसों पढ़ाई थी किसी क्लास में कि सबसे ज्यादा ट्राइब जनजातीय लोग परसेंटेज वाइज यहाँ रहते हैं, वैसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में रहते हैं पॉपुलेशन वाइज, मगर जो परसेंटेज वाइज हैं वो लक्षद्वीप में रहते हैं। आगे द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट। तो जो पिटिशन है, अगर सपोज इलेक्शन में कोई भी किसी को कोई आपत्ति पैदा होती है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटिशन, अर्जी इलेक्शन की, तो ये जो है वो हाई कोर्ट में जाना होता है। जैसे हमारे कुछ एक हिमाचल प्रदेश के जो एमएलए थे वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के बाद अगर नहीं बनता फिर सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट है, बट उनको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, पेंसिल में हम क्या यूज़ करते हैं, बड़ा कॉमन सा सवाल था साइंस का, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं पेंसिल के अंदर, ग्रेफाइट, ऑप्शन ए इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल, तो मरकरी है जो अमलगम बनाता है मेटल के साथ, कुछ एक हैं जैसे आयरन इत्यादि को छोड़कर जिनके साथ नहीं बनता बट बाकियों में बनता है। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, तो बीरू ब्रदर हैं या बायरू ब्रदर जिन्होंने बॉल पॉइंट पेन डेवलप किए थे, इसे पहले इंक डाल के ही या इंक में पेन डुबोकर ही लिखा जाता था। 19वां सवाल डिस्कस करने के बाद 20वां सवाल, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में आपने जाना होगा, तो ज्योमेट्री के फादर थे लूसिट, ये लुक्लिट बोलते हैं इनको, इनका नाम है, ज्यादा लोग पाइथागोरस समझते हैं जो गलत है। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन कटी शंकर लक्ष्मण एंड सुधीर धर, आर के लक्ष्मण तो आप जानते हैं कि बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, तो बहुत बड़े, और कई बार गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने ऐसे ऐसे कार्टून बनाए थे कि गवर्नमेंट हिल जाती थी उनके कार्टून से, उनके कार्टून फेमस फेमस जो न्यूज़पेपर हैं भारत के उन पर आते थे, तो गवर्नमेंट तक हिलती थी उनके कार्टून से, इतने डिपेक्टिव होते थे, तो ये ड्राइंग कार्टून के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद द इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर, इंटरसेक्टिंग लाइन जो ग्लोब के ऊपर होती हैं, राइट राइट, तो उनको बोलते क्या है, तो ज्योग्राफिक ग्रिड्स बोलते हैं उनको, ज्योग्राफिक ग्रिड्स कहा जाता है, ज्योग्राफिक ग्रिड्स इनको बोलते हैं। इसके बाद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये जापान है, जापान सारा जो है आयात करता है, जो कच्चा पदार्थ है वो सारा वो आयात करता है, इम्पोर्ट करता है, जो जापान है वो इम्पोर्ट करता है, ठीक है जी। इसके बाद द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व एज, राजीव गांधी के ऊपर LTT एक आतंकी संगठन था, उसने हमला किया था और एक आर्डिक्स लगा के एक महिला उनसे चिपक गई थी और फिर बम से उड़ गए थे वो दोनों ही, मतलब राजीव गांधी जी की इस तरह से हत्या की गई है, तो वो एंटी टेररिज्म डे के रूप में शुरुआती दिवस दिनों में मनाया गया था, एंटी टेररिज्म, क्योंकि राजीव गांधी खुद टेररिज्म का शिकार थे। बड़ी लंबी कहानी है राजीव गांधी के साथ क्या क्या हुआ था, फिलहाल आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। अगला प्रश्न, द सेंटेनरी मीन 100 साल ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन 1993, तो 1993 में मनाया जाता है, 1893 मई में आप कह सकते हैं कि वो साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट चलाई थी। द ईयर 1991 वॉज ऑब्जर्व एज द ईयर ऑफ टूरिज्म, भारत में 1991 में एक्चुअली हुआ क्या था, इकॉनमी ग्लोबलाइज कर दी गई थी, वैश्वीकरण हो गया था इकॉनमी का, समझे आप लोग, ग्लोबलाइज मीन्स वैश्वीकरण, अर्थात इसका मतलब क्या है कि अब FDI भारत में अलाउ कर दी गई थी,
तो जो फॉरेन रेस्ट्रिक्शंस थी इंडिया पे वो हट गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कि टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया था। जो फेमस दिलवाड़ा टेम्पल है वो कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। माउंट आबू इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। माउंट आबू अगर आप कभी गए हैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दिलवाड़ा टेम्पल्स का। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये कहाँ लोकेटेड है, तो उत्तर है देहरादून के अंदर ये लोकेटेड है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित है। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, बड़ा कॉमन सा सवाल है, नेशनल फ्लैग की विड्थ क्या होती है, तो 2:3 की होती है। जिसकी विड्थ है वो 2:3 में होती है। विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट, कौन से तथ्य जो है वो सही है। जिसको टिकने के मैंने, आउटर सिराज एरिया इज इन कुल्लू, ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर, बोथ आर करेक्ट है, ये इसका राइट आंसर है, बोथ आर करेक्ट। लाहौल इज डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतीन वर्ड्स लो यूल विच मीन्स कंट्री इन दी साउथ, ये इसका जो है वो रियल वहाँ के लैंग्वेज में मतलब है। वो चीन के साउथ में आती है, जो ओल्ड चाइनीज एम्पायर थी वो उसके साउथ में आती है। विच डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय धौलाधार माउंटेन रेंज, तो धौलाधार माउंटेन रेंज को ये सारे हिट जो है वो टच कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन, तो पूरी तरह से शिवालिक जोन में ऊना आता है कंप्लीटली, पूरी तरह से आप कहें तो। विच प्लेस इज नोन एज लिटिल ग्रीस इन हिमाचल, आप जानते हैं ग्रीस से आया था सिकंदर, अलेक्जेंडर आया था ग्रीस से, तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ सैनिक उनके जो थे सैनिक की टोली में वो यहाँ रुक गए थे ब्यास के आसपास, जो रिवर ब्यास है ना उसके आसपास रुक गए थे, और उन्हीं के वंशज आगे बढ़ते चले गए, और आजकल वो मलाना जो कुल्लू के अंदर है वहाँ स्थित है। मलाना क्रीम अपने लिए फेमस है, क्योंकि अब जो जानते हैं सो जानते हैं क्यों है क्रीम क्या चीज़ होती है मलाना की। मलाना का अपना ही रूल अपना ही सिस्टम है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया में आता है, तो वहाँ के लोग घृणा करते हैं बाहर के लोगों से, क्योंकि वो खुद को समझते हैं कि वो अलेक्जेंडर की पुश्ते हैं, तो अलेक्जेंडर तो बहुत महान चीज़ थी, तो बाहर के लोगों से वो नफरत करते हैं। अगर आप कभी भी जाएंगे तो आपको वो टच नहीं करने देते, आप उनके बर्तन उनके उनके साथ आप हाथ लगाएंगे तो वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने में गंदगी अपने कपड़े साफ करना शुरू कर देते हैं तुरंत, ऐसा उनका मानना है। चंदर खानी ये जो पास है वो कहाँ पे है, कुल्लू में है, ये इसका आंसर है। रोहतांग पास इज लिटरली मीनिंग ए पाइल ऑफ कॉप्स, मनाली के पास कुल्लू में। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस विद देयर लोकेशन एंड एल्टीट्यूड आर करेक्ट, थोड़ा थोड़ा यहां गड़बड़ी थी, 4700 है ये एग्जैक्टली जो है वो 3870 वारू वाला जो कांगड़ा चंबा का पास है वो बिल्कुल सही इसमें आंसर है। आगे बात करें, हु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज ट्रेवल्ड, इसमें मैं डाउट में था दो नामों को लेकर, इसलिए मैंने टिप्पणी यहाँ नहीं की है, मैं आपको इस पे आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि कहीं कवर भी नहीं करा गया है, किसी न्यूज़पेपर भी प्रॉपर तरीके से नहीं आया, इसलिए मैं अपनी डाउट को क्लियर नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ 39 को। हिमाचल प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड हिल स्टेट इन 1966, इसे एक हिल स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम और सेज जमदाग्नि, तो परशुराम भगवान के साथ जो झील का संबंध है वो रेणुका है, रेणुका झील उनकी माँ के नाम पे, और वो एक लेडी के रूप में भी वो एक झील एक तरह से है।
है, तो लेडी की शेप में, तो रेणुका उनकी माँ, जो उन्होंने अपने पिता के कहने पर या पिता के सम्मान में उनकी हत्या कर दी थी। विच ऑफ अदर फेमस वैलीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, चुहार, बल वैली या चौंतरा वैली, सारी हैं ये। हबन वैली कहाँ स्थित है, तो सिरमौर के अंदर राजगढ़ में। नेम द लेक इन अपर हिमालय रीजन विच ब्रीच्ड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड इन सतलुज रिवर। इस झील से ये टूटी थी और काफ़ी पानी आया था और सतलुज में एक तरह से बाढ़ आ गई थी। तो परिचू इसका उत्तर है, 44 इसका राइट आंसर है, 44 का ए राइट आंसर है। विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर्स आर विजिबल फ्रॉम द रिच ग्राउंड इन शिमला। तो सोनापति ग्लेशियर भी है और गेफांग भी है, तो दोनों इसका राइट आंसर है, दोनों इसका राइट आंसर है। विच रिपब्लिक फॉट फॉर कौरवास इन महाभारता वॉर। तो त्रिगर्त है जिसने महाभारत में कौरवों के साथ का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। अब बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन था कि राजा सुशर्म चंद्र जो हैं वो किसके ब्रदर इन लॉ थे। तो ब्रदर इन लॉ जीजा साला दोनों आता है, इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है। ये दुर्योधन के थे, दुर्योधन इसका राइट आंसर है। वो शहर स्टेट इज इन रामपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये भी काफ़ी दिक्कत वाला था, लॉर्ड कृष्ण। वैसे लॉर्ड कृष्ण के बेटे प्रद्युमन को श्रेय जाता है बनाने का। हिमाचल की जो हिस्ट्री है ना, हिमाचल जो हिस्ट्री है बड़ी कन्फ्यूजन वाली है, क्योंकि डेट कन्फ्यूजन वाली है, फैक्ट कन्फ्यूजन वाले हैं। एक हिस्टोरियन कुछ लिखता है, दूसरा हिस्टोरियन कुछ लिखता है, विकीपीडिया डिफरेंट चीज़ें बोलती है, तो इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी। इसलिए हिमाचल जीके को तैयार करना इज सीरियसली वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है। कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सहारन टू रामपुर। सहारन से रामपुर को राजधानी किसने शिफ्ट कर ली थी? राजा राम सिंह ने। सिरमौर को तैमूर ने किस वर्ष में प्लंडर किया था, लूटपाट की थी? 1398 से लेकर 1399 के बीच में प्लंडरिंग हुई थी, लूटपाट हुई थी। अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राइड टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1805-9 AD, बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर इट। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ इनकी ट्रीटी थी ज्वालामुखी की, तो ये देनी पड़ी थी, सरेंडर करना पड़ा था। आफ्टर गेटिंग डिफीटेड इन द हैंड ऑफ महाराजा संसारचंद, जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, वो पावरफुल, वो खुद भी काफी पावरफुल थे, उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया था? तो अर्की में, अर्की में वो छुपे थे, उन्होंने वहां शेल्टर लिया था। हु लेड द धामी मूवमेंट, प्रजा मंडल मूवमेंट, तो पंडित सीताराम ने, पंडित सीताराम। व्हेन वाज भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में स्टार्ट होती है हिमाचल में, उसका एक तरह से एक्सटेंशन, मन जिस थॉट पे वो थी वही थॉट पे आगे की थी, तो ये हिमाचल में 1939 में स्टार्ट हुई थी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइंड, कौन सी बिल्डिंग थी जहां पे शिमला जो समझौता था वो साइन हुआ था? बर्निस कोर्ट, एलएसली बिल्डिंग, वाइस विगल लॉज या फिर ऑकलैंड हाउस। तो इसका बर्निस कोर्ट इसका राइट आंसर है। दी फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स वॉज वाइस विगल लॉज। ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नाथूराम गोडसे ये दक्साई जेल में कैद हुए थे, बट दक्साई जेल का कोई दूसरा नाम मैंने सर्च किया, कोई दूसरा मुझे मिला नहीं। अब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जानती हो तो मुझे पता नहीं। दक्साई इसका राइट आंसर था जो मेरी भी नॉलेज में था।
बट फिर कुछ एक अनम, कांडा जेल, संजौली जेल, कैथू जेल, मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करी। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे जिनका इतना मुश्किल नहीं था, बट जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे लगा कि ये तो कॉन्ट्रोवर्सियल है, इसलिए फिर मैंने दक्साई साइड पर लिखकर फिलहाल किसी भी ऑप्शन को टिक यहाँ नहीं किया है। द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज का है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IMPERIAL, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम था। तो उसकी बिल्डिंग जो शिमला में थी पहले, वो कौन से हाउस में या कौन से बिल्डिंग में उसको बनाया गया था? तो डलजल हाउस, कैप्टन ऑनरेबल HZ डलजल के नाम पे था वो डलजल हाउस। आपका नाम, बाप का नाम, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाना है, ये मुझे पता ही नहीं है कि इसका क्या आंसर, इसलिए सॉरी फॉर दैट, मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लुक एट दिस सीरीज, ये रीजनिंग का प्रश्न बनता है। दो का आधा एक, एक का आधा 1/2, तो 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8, ठीक है जी। ELFA, GLFA, ILJ, ये नंबर सीरीज का सवाल है, इसके बीच में KLLA आएगा, चेक कर लेना आप लोग। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर, कौन है जो बाकियों से अलग है, यार्ड है, सेंटीमीटर है, इंच है, ये लेंथ मापने वाले हैं, औंस वेट मापने वाला है, तो ये अलग हो गया। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द डेजर्ट, कौन सा वर्ड है जो बिलोंग करता है डेजर्ट को, तो एरिड बिलोंग करता है, मैंने सूखा इसको बोल सकते हैं आप, जो एरिया होता है। मैराथन इज द रेस एज हिबरनेशन इज टू द स्लीप, माने मैराथन का रेस जो संबंध है वो हिबरनेशन का स्लीप के साथ होता है, हिबरनेट करना। हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड इन द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, वही कोडिंग कोड लैंग्वेज में लिखा गया है और आपने बताना है कि सीलिंग टाइल का मीनिंग क्या है। जैसे GORBLFLUR means fat, तो आपने कॉमनिटी कॉमन ढूंढना होता है, तो सीलिंग कहाँ कहाँ जैसे हैं, तो ऐसे ऐसे आपने करना है। जैसे फैन यहाँ भी था, फैन यहाँ पे भी है, कुछ कॉमन ढूंढो यहाँ पे, फिर टाइल और रूफ ऐसे है, तो मीन्स आपने सीलिंग टाइल ढूंढना था, तो आप इसमें आंसर आपका डी आ जाएगा। 67 का आंसर, इनफॉर्मल गैदरिंग होती कहीं पे, इनफॉर्मल गैदरिंग क्या चीज होती है? अकर्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल गेट टू टुगेदर इन ए कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर, जब आप कैजुअल एक रिलैक्स तरह से रहते हैं तो उस फॉर्मल इनफॉर्मल गैदरिंग का एग्जांपल क्या होगा? हर महीने क्या था, थर्सडे को इवनिंग को एक मीटिंग होनी है, तो फॉर्मल मीटिंग होगी जहां कुछ डिस्कस किया जाएगा, जो पहले से तय है, जो पहले से तय है और वहां कुछ डिस्कशन की जाएगी, ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज प्रमोशन, प्रमोशन के बारे में कहा, तो जर्मी और उसके दोस्तों ने जो है वो ड्रिंक वगैरह करना चाहा उसके बाद, तो ये गैदरिंग जो होगी वो इनफॉर्मल है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं कुछ नहीं है, तो ये एक इनफॉर्मल गैदरिंग है। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने से रह गया। चलिए या कोई बाद में सॉल्व करता हूँ मैं, मुझे याद ही ना कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। If cool is coded as DQRP, then write the code for hot. या जाएगा। If completed is coded as this, then direction will be coded as. तो आपने कुछ यहाँ पे similarity ढूंढनी होती कि क्या क्या बन रहा है, तो इसका आंसर होगा C. Find out the alternatives figure which contains. तो मैंने ये वाली शेप आपको कहाँ दिखती है, तो ये वाली शेप यहां दिखती है डी वाले ऑप्शन में, जैसे यूं हो गया आपका ये और ऐसे करके, और ये शेप यहां दिखती है डी में। आगे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 3 होगा, तो बहुत माथा पच्ची की इसके ऊपर, तो जाके क्लैरिटी आई। तो इसमें ना कॉमन शेप का कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉमन शेप का कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन शेप मीन्स कि जैसे
ये वाला जो शेप है वो यहाँ भी है, ये वाला शेप इधर भी है, तो ऐसी वाली शेप फिर यहाँ भी आएगी, तो ये इसका थर्ड होगा। सेवेंटी थ्री की हम बात करें, 73 में ये कागज को अनफोल्ड किया गया है, अगर फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? एक बात तो ये कि डॉट है इसका, तो डॉट वाली तो होगी होगी, मीन्स टू वाली तो होगी होगी। फिर जब ये फोल्ड करेंगे तो ये पूरे वाला नहीं आएगा, क्योंकि एक सिरा ब्लैंक है तो एक अनब्लैंक है, एक ब्लैंक है तो एक अनब्लैंक है, तो आधे पे आएगा, विच मीन्स वन एंड टू इसका सही आंसर होगा। इनको आपने अरेंज करना था कि जब भी आप मीनिंगफुल सीक्वेंस में, तो की होगी आपके पास, तो की से आप दरवाजा का ताला खोलेंगे, ताला खुलेगा तो दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तो आप रूम में जाएंगे, रूम में जाएंगे तो फिर तभी आप लाइट वहां की स्विच वहां के आप ऑन कर सकेंगे। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफी ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन इसका आंसर है फादर। अब स्टेटमेंट है कि ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम अंदर है, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो कंक्लूजन ये बोलता कि ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सारी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट है, ये कह नहीं सकते, तो गलत हो गया, ये पहला जो है वो कंक्लूजन गलत है। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट, तो चूंकि हारमोनियम सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हैं, तो हारमोनियम भी क्या होंगे, फ्लूट तो होंगे, तो कंक्लूजन फॉलो टू करता है। अब इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में देखें, पहला नंबर यहाँ से जो लेफ्ट से उड़ा दिया गया है, ये राइट है मान लीजिए, आगे वही है 8, 9, 6, 5, ये सारा वही है। अगले स्टेप में फिर ये उड़ा दिया गया लास्ट वाला, तो इधर फर्स्ट ऐसे फिर ये, अब अगले उसमें क्या हुआ, ये उड़ाया तो ये आ गए, अब उड़ने की बारी यहाँ से है आठ की, तो ये आ गया, अब लास्ट में उड़ने की बारी है तीन की, जो इस तरफ वाला है जो राइट में है एक तरह से, तो 9, 6, 5, 4, 2 इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। 78 सिंपली ये एक टाइम एंड वर्क का सवाल है, ए और बी और सी किसी काम को कहता है चार दिन में कर लेते हैं मिलकर, है ना, विद दी हेल्प ऑफ सी, ए किसी ए रेलवे ट्रैक को बिछा लेता है 16 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों मिलकर तीनों मिलकर सी की हेल्प लेकर 4 दिन में कर लेते हैं, तो ए बी और सी, सी का वन डे वर्क है 1/4, ए का वन डे वर्क है 1/16, बी का वन डे वर्क 1/12 है, सी का आप निकाल देंगे तो सी का वन डे वर्क आएगा 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12 माइनस 1/ आ गया आपका 48 होगा नीचे, एंड देन जो भी है 9 सही 3/5 दिन इसका आंसर होगा। ये थॉमस ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है इतना, और फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट मिला है, तो आपसे पूछा गया था कि उसने स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये थोड़ा सा आप चेक करना, नहीं होगा सॉल्व तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। एक आदमी बाइसिकल ले रहा है 1400 रुपये में और लॉस है उसको 15% का, क्या था उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस की परसेंटेज अपॉन 100, तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब कंप्यूटर वाले क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, अकेडमी के अंदर मैं जब कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो वो JOIT का बैच होता है, JOIT का, तो हम पढ़ाते हैं उसके अंदर, और जिन्होंने वो पढ़ लिया था तो उनके लिए क्लर्क वाला तो कुछ भी नहीं है, ये जो हाई कोर्ट क्लर्क है, तो हाई कोर्ट क्लर्क में तो कुछ लेवल नहीं है। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी बहुत इजी है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंसर्ट की जाती है, एंटर करवाई जाती है, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सा नहीं है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस स्कैनर, कीबोर्ड और माउस होते हैं। स्विच वर्किंग एलिमेंट के अंदर एक स्विच, एक सेंटर एलिमेंट होता है ऐसे ऐसे, तो जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, स्विच हो गया, हब हो गया, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइसेस होते हैं।
इसके बाद 85th क्वेश्चन है कि कौन सा ऑड है। तो देखिए मेलवेयर हैं, वायरस हैं, स्पाइवेयर हैं, ये एक तरह के प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को हार्म करना चाहते हैं। प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हार्म करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं। हब तो एक तरह से नेटवर्क डिवाइस है कनेक्ट करने का। तो जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं अकेडमी के अंदर, तो आपको मैंने एक चैप्टर करवाया था नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग के अंदर इथरनेट, लैन वैन, पैन वैन सारे समझाए थे। तो इसके अंदर काफ़ी बातें की गई थी, बहुत ईजी चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, अच्छा ये तो हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बहुत ही केपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर हम विंडो यूज़ करते हैं, तो बट विंडो इज़ नॉट सेफ टू ऑपरेट। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे काम करते हैं वो फेडोरा भी है, मिंट भी है, रेड हैट भी है, सारे हैं, ऑल ऑफ दिस। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देखो सी ऑप्शन क्यों है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और फॉर कैलकुलेशंस। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कोई भी कंप्यूटर के अंदर, सो बेसिकली कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, इज कैलकुलेशंस। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी तो आपने सुना ही होगा ना, कि एग्जाम जब फॉर्म भरते हैं आप, तो कहा जाता है कि जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो अपलोड होनी चाहिए, सिग्नेचर अपलोड होने चाहिए। तो ये डॉट एमपीजी फॉर्मेट है वीडियो का, वीडियो का एक फॉर्मेट है इस तरह से। कंप्यूटर सिस्टम के पास क्या होना जरूरी है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा? एमएस ऑफिस नहीं है तो भी काम चल जाएगा, इंटरनेट नहीं है तो भी काम चला लेंगे आप, कोई मूवी देखते रहिए कंप्यूटर के ऊपर, एंटीवायरस नहीं है तो भी आप काम चला सकते हैं, कंप्यूटर तब भी चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर काम नहीं करेगा। डीएनएस इज एब्रिविएशन ऑफ, कंप्यूटर में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी इज राइट इन दिस केस। मदरबोर्ड क्या चीज होती है? मदरबोर्ड एक बड़ा सा सर्क्यूट होता है, एक बड़ा सा सर्क्यूट मदरबोर्ड होता है, जिस पे वही फिल्टर, डायोड, कैपेसिटर्स सारे इंस्टॉल किए होते हैं। ए सर्क्यूट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर, कौन से इनमें ब्राउजर नहीं है? ओपेरा नहीं है, क्रोम नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है, कैसियो। तो कैसियो जो है वो ब्राउजर नहीं है, क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, तो रबर व्हील प्रिंटर नहीं होता, इंकजेट होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, डेजी व्हील होता है, रबर व्हील कोई चीज नहीं होती है, लेजर व्हील, लेजर भी होता है प्रिंटर, बट रबर व्हील प्रिंटर नहीं होता। विच ऑफ द फुल फॉर्म इज यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग एंटीवायरस, एंटीवायरस डालकर आप कंप्यूटर की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज ओपन्ड इन ए कंप्यूटर इट इज टेम्पररली स्टोर्ड इन रैम, जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो टेम्परेरली कहाँ स्टोर होती है? वो रैम के अंदर स्टोर होती है। अगर आपकी रैम कम है और आपने काफ़ी फाइल्स ओपन कर ली हैं तो आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप हैंग कर जाएगा। द सेट ऑफ वायर विच कैरी इंफॉर्मेशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल बस होती है। जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं ना, तो माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल बस को बहुत डिटेलिंग से डिस्कस किया गया है, कंट्रोल बस होती है वो। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक सारी ये किसके एग्जांपल हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के, ये स्क्रीन पर कर्सर को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये सारे स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करते हैं जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ज़्यादातर हम विंडो में जो हम काम करते हैं वो ग्राफिकल होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस, बहुत सारे इंटरफेस आते हैं। तो जी यू आई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
100 क्वेश्चन ख़त्म हुए और ज़्यादा टाइम मैं आपका लेना नहीं चाहता, प्लस मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। मैंने जो कट ऑफ है, जो मेरा एस्टिमेशन है कट ऑफ का, जनरल कैटेगरी के अंदर मैंने बता दिया है 87 का कट ऑफ है, जो मुझे लगता है कि 87 आपके नंबर आएंगे जनरल कैटेगरी में तो सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी एस सी एस टी ओ बी सी के लिए मैंने फ्रंट में बिल्कुल स्टार्टिंग का जो ये लाइव सेशन था मैंने बता दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।